वेलकम बैक टू अवर चैनल किंग फार्मेसी। आज का अपडेट आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल मालदा की तरफ से। यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिस निकाला गया है फार्मासिस्ट वैकेंसी का। यहाँ पे 5 पोस्ट आपकी फार्मासिस्ट की निकाली गई हैं। मैंने हमेशा आपसे ये कहा है कि जब भी रिक्रूटमेंट अगर इस टाइप की हो, यहाँ पर कम वैकेंसीज को निकाला जाए, तो उस वैकेंसी को आप ज़रूर भरें, क्योंकि वहाँ पर लेस कॉम्पिटिशन की सिचुएशन आ जाती है। क्योंकि कैंडिडेट ऐसी वैकेंसियों के फॉर्म को कम भरते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारा इसमें ज्वाइनिंग चांसेस कम हैं। जो कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट नोटिस को भरेगा, मुझे लगता है उसके 75% चांसेस ज़्यादा होंगे ज्वाइनिंग के, क्योंकि यहाँ पे जो है कंपटीशन लेस हो जाता है, कैंडिडेट यहाँ पे कम होते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2000 वैकेंसी निकाली गई, 500 निकाली गई, 800 निकाली गई, तो वहाँ पे जो है आपका जो है कॉम्पिटिशन जो है आपका टफ हो जाता है। इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि वहाँ पे जैसे कैंडिडेट होते हैं बहुत सारे, उस फॉर्म को उस एप्लीकेशन को फिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी यूआर में 3 वैकेंसी निकाली गई है, एससी में निकाली गई है आपकी 1 और एसटी में आपकी 1 वैकेंसी, टोटल आपकी 5 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है, आपका मंथली रिमुनरेशन की बात करें तो 22,000 रुपये मिनिमम। मैक्सिमम एज है आपकी 18 से 40 साल। डी फार्मा आपके पास में होना चाहिए और वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक्स्ट्रा वेटेज, अगर डी फार्मा के साथ आपके पास में बीएससी भी है, ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिल सकता है। अगर आपको एमएस ऑफिस चलाना आता है, ठीक है, बंगाली भाषा में बात करना आता है और बंगाली भाषा में टाइपिंग आती है, जब आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिल पाएगा। ठीक है, ऊपर बढ़ते हैं तो लास्ट डेट के बारे में यहाँ पे हम जानते हैं। ये देखिए यहाँ पे बताओ लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है आपकी 25 मार्च से 4 अप्रैल तक, यानी कि 3/2/1 तक अभी आपके पास में समय है इस एप्लीकेशन को भरने का। ठीक है, 5 अप्रैल के बाद आपकी जो है फीस की रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बंद हो जाएगा, यानी कि फीस आप 5 अप्रैल तक भर पाएंगे। फिर लास्ट डेट ऑफ फुल सबमिशन ऑफ फॉर्म है आपका 8 अप्रैल। ठीक है, 8 अप्रैल के बाद ये एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया जाएगा। फिर जितने भी कैंडिडेट हैं वो उनके पास में मैसेज आ जाएगा कि आपको इस तारीख को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे, ठीक है, उनको लोकेशन बता दी जाए कि वहाँ पे देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है, ये देखिए एलिजिबल कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज गिवन इन डिपार्टमेंटल वेबसाइट। ठीक है, ये इनकी डिपार्टमेंटल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको एप्लीकेशन को भरना होगा। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बताया हुआ एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे आपकी 100 रुपीज़ है, अनरिजर्व की आपकी 50 रुपीज़ है, और तो यहाँ पे जो डिपॉज़िट करना है आपको वो ऑनलाइन मोड में ही डिपॉज़िट करना है, और यहाँ पे ये जो आपकी फ़ीस है वो रिफंडेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नॉन रिफंडेबल आपकी फ़ीस है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इस पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं।